फीमेली की बात आई तो जब थे ये वीडियो बनाना स्टार्ट करया, मतलब आज तक नॉर्मल कुनो ये चीजा रिश्तेदार ही ना वे बहुत बुरो माहौल कर जाएगा जी, वे बस थारी बेटी है यहाँ थारी बेटी भैया, मतलब बहुत खराब। एक मतलब एक इंसान तो यार बोल दे तो किसी शादी कौन करो, क्या शुरू तो कर रही है पर इन कुन पतो की एक कितनी इज्जत खराब हो गई चीज में। अब मेरा कुछ समझवाए तो गलत काम के कर रही हूँ कि मेरी इज्जत खराब हो जाओगी भी चीज के अंदर। फोन कहे कुन उठा रहे हो इतनी देर से? अरे तू बढ़ रहे हो क्या मुझे, मतलब तन फोन कुन दिख रहे हो इतनी देर से? फोन कर रही तने चाहे सो तू फोन पे भी अगर मैसेज कर दियो ना तो मेरे से बुरो कोई नहीं होगो। फोन काट। कोटपुतली नीमका थाना और शाहपुरा साइड भयंकर क्रेज है, मैं सच में मैं जाऊँ ना मन फील हो जाए मैं सेलिब्रिटी जाऊँ और लोग प्यार करी ना, मतलब बहुत अच्छा लगा जाए कि ये मोमेंट के लिए तो जी रही थी मैं। साला चिंदे आदमी थप्पड़ मार के कितने शर्म को ना, ये तू पापा का देड़ा 10 रुपया भी मेरे का नोटा ले लियो। प्रिया 2 रुपया कमावा लागी या कौन लागी? बिल्कुल कमावा लागी, अपनी कमाइयों के लेके आई दीदी। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीतें करोड़ों की स्कॉलरशिप। राम राम जी, मुक्ष झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अगर थे इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब पर भी एक्टिव हो तो चेहरो देख लो, सारे कुछ समझ में आ रहे हो है तो कमेंट जरूर कर दियो। या बाई छोरी है जो इतना वीडियो बनाती, इतनी कचर कचर अती चीन चीन बोल रहे, मतलब कि जब मैं फर्स्ट बार वीडियो देखे ना तो मैं भी सोचे कि यार कितनी बोला, एक बार सांस तो ले ले कमो कम में। 1 मिनट का वीडियो में एक बार भी यह लड़की सांस खोल ले रही, मतलब या तो मैं सोचती कि मैं ज़्यादा बोलूँ या लड़की मने भी छेक गई। नाम है प्रिया और भैया खूब प्रिया इंस्टा पर वीडियो वगैरह बना हुआ है जहाँ भाई लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाए, मतलब छोरा छोरी आपसे मैं अपनी बात करी, हस्बैंड वाइफ की होगी, भाण भाई का होगा, ऑल टोटल ऑलमोस्ट सारा वीडियो है बाबना। तो सबसे पहले तो प्रिया राम राम। राम राम जी। राम क्या हो? बहुत बढ़िया। आई हम बताओ कि थे जो ये वीडियो बना रहे हो ये राजस्थानी भाषा में ही क्यों बना रहे हो? क्योंकि पहले मैं हिंदी में ट्राई करी थी, मैं लिपसिंग वगैरह ट्राई करी थी, फिर मैं थोड़ा राजस्थानी कॉमेडी देखती, स्पेशली जीतू और कृष्ण की देखती मैं। ठीक है। तो सही बताऊं तो मन मोटिवेशन बड़ा से ही मिले हो कि मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में आगे बढ़ूं, फिर लोगों ने पसंद भी आवा लागो। एक वीडियो बना के डाली, वो यही रैंडम बना के डाल दिया, मैं मेरी फ्रेंड बैठा जा एग्जाम को टाइम चल रहे जो, तो यही बना के डाल दिया कि पढ़ाई कुन हो रही हो वो, और फिर वो रातों रात वायरल हो गए वो वीडियो। या थे गाँव रिया करता तब की बात है, जयपुर रिया करता था मैं, गाँव रहती तब नीमका थाना। ठीक है। बड़ा की फिर वो रातों रात वायरल हो, फिर लोग आने खुद की लैंग्वेज में पसंद आवा लागो कि थारी खुद की वॉइस में बनाओ, खुद की भाषा में बनाओ, तो फिर मैं फिर वही चीज़ कंटिन्यू करी जो लोगों ने पसंद आई। तो जो वो वीडियो वायरल हुई हो सबसे पहली बिन देखी तानिया लागो कि अगर भाई मैं भी कुछ कर सकूँ हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकूँ, वो वीडियो कौन सा हो थारो? थोड़ा सा बोल के बता दो बी ही टोन में बिना सांस लिया। वो वीडियो तो मतलब जब खुद की लैंग्वेज में बनावो शुरू करी, मैं बाबू सोने वाला वीडियो बनावो शुरू करी थी, वो लड़बा को काम ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद आवा लागो, तो बी जगह से फिर मैं सोचा कि यार मैं भी आगे बढ़ सकूँ जो, फिर लोग कमेंट्स करवा लागा, डीएम आवा लागा, अच्छा अच्छा कि दीदी बाबू सोना वाले वीडियो बनाओ आप अच्छे लगते हो ये वो, फिर मैंने कॉन्फिडेंस आ गो कि व्यूज आई चीज, फिर कमेंट्स आई थी तो फिर कॉन्फिडेंस आ गो, फिर मैं सोचिए अब आगे बढ़ो जा सके। फीमेली की बात आई तो जब थे ये वीडियो बनाना स्टार्ट करया, अरे भाई तो के माहौल हो घर में, मतलब के एकदम ताबा तोड़ महाभारत छिड़ी कौन छिड़ी कर आज तक है, मतलब आज तक नॉर्मल कुनो ये चीजा कि मतलब मेरी मम्मी है ना, मतलब भी को बहुत सपोर्ट मिलो मन बहुत ज़्यादा, और एक बाकी सारा भाण भाई सपोर्टिव है, बट मेरी जो सिस्टर है कि प्रियंका दीदी मैं उनका नाम ले वो चाहूँ जो, मतलब भाई बहुत प्यारी बंदी है। एक और जो लोग बोली थी कि मैं तेरे साथ हूँ तू कर, बट वह एक्चुअल में मेरे साथ ही, कोई भी चीज़ मन करनी हो दीदी यो काम है घरान संभालिए या वाह हमेशा संभाली है, तो मम्मी को बहुत सपोर्ट मिले है। पापा भी मेरा बहुत पढ़ा लिखा मेच्योर इंसान जी हैं कि बात को ना, बट जब रिश्तेदार ही ना वे बहुत बुरो माहौल कर रहेगा जी, वे बस थारी बेटी है यहाँ थारी बेटी भैया, मतलब बहुत खराब। एक मतलब एक इंसान तो यार बोल दे तो किसी शादी कौन करेगा, मतलब इतनी चीज़ा तो मैं तो बहुत मर्यादा में रहकर चीज़ा करूँ, क्योंकि मन फैमिली की तरफ से भी सोचना पड़ा है, घर खा की भी गलती को ना, क्योंकि घर खान चाहे जॉब चाहे पढ़ाई चाहे तो दिक्कत तो बहुत आई, बहुत कुछ सुनना भी पड़े, लोगों का ताना भी सुनना पड़ा। मतलब जब मैं यूट्यूब शुरू करी ना तो मैं नाम कौन ले बचाऊँ, मेरे एक दोस्त जो कोई और मैंने भी कौन पतो भी को नाम पतो उनके बोलो मेरे लिए
किया शुरू तो कर रही है पर इन कुन पतों की एक एक कितनी इज्जत खराब होगी चीज में। अब मेरा है कुन समझवायो इतो गलत काम के कर रही हूँ कि मेरी इज्जत खराब हो जाओगी भी चीज के अंदर। और बहुत सी चीज़ा मतलब थोड़ा एकदम थे सुर्खियाँ में आ जाओ जो जान बलाग जाए ची लोग तो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस हो बलाग जाए ची थारी बहुत दिक्कत आई। अब तो फिर भी नॉर्मल होगा, पापा भी अब तो नॉर्मल होगा, बाकी सब भी नॉर्मल होगा, बाकी मेरी बड़ी मम्मी सब बहुत समझदारी घर में, भाण भाई बहुत समझदारी। अब वीडियो देखेंगे थारा रिश्तेदार तब का सोचेगा इनमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेंगा। जीतू किशन के साथ वीडियो आयो तो मेरा छोटा वाला ताऊजी ने भेजा वीडियो कि ये मतलब पापा को नाम ले कि या देख भी छोरी का चीला भी चीज से इतनो हंगामा हो मतलब बनके भी गलती को नहीं गांव में रह रहे हैं बनके लिए माहौल ही है वो भी कभी ये चीज देखी को नहीं तो छोटा वाला ताऊ जिन बहुत फर्क पड़े हुई चीज से फिर मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई। मतलब ये बया का लोग थी जो खुद तो खुद की लड़कियां ने कभी आगे बढ़वा खुन दिया बिल्कुल शादी वादी करवा दिया और ये शादी करवा का यहाँ सोची थी कि बस मैं तो सब कुछ कर लिया और अब जन का घर में बच्चा पढ़ रही थी बाहर रह रही थी अब बस मन को जीवो आराम कर दो। बहुत दिक्कत है इनकी तो रिश्तेदार। भाई मैं बताना चाहूंगी कि भाई कॉमेडियन जो जीतू करसन जो जीतू करसन का नाम जाने ही बाकी साथ में भी आके कॉमेडी वीडियो आई है तो बन जाए थे फॉलो करया करता फिर थे बाकी साथ में काम करो वीडियो बनायो तो केक फीलिंग है बहुत अच्छी मतलब इंस्पिरेशन है वे लोग मेरी। मैं घर में खाना वाणो खाता ना तो मतलब मैं दो तीन लोग जब बहुत तगड़ा फैन जा बन का सारे दिन वीडियो देखा करता खाना खाते टाइम वीडियो देख रहा जा साथ बैठा जा वीडियो देख रहा जा तो मैं तो सोची कुंची कि कभी अनेक से भी मिलना होगा मेरे लिए तो वह एक फैन मूवमेंट वाली बात होगी। फिर भी कबाद में थोड़ा इंस्टा पे ग्रो होगी मैं मार्च में दो तीन दिन बाद में ही मेरा वीडियो वायरल हो गो जो तो मैं दो तीन दिन बाद में ही मेरा इंस्टा चाल गो जो। फिर मतलब जब जीतू यादव को पहली बार वो फॉलो करो ना मतलब मैं बता कौन सकूँ मेरी के खुशी में पूरी दुनिया ने बता दियो जीतू यादव मन फॉलो कर लियो जीतू यादव मन फॉलो कर लियो। फिर मैसेज वैसेज आया वन का फिर साथ काम कर वाली बात हुई मेरे लिए तो सपनों बराबर आया मान लो मेरा सपना ही पूरा होगा। तो इतना फॉलोवर्स वगैरह भी होगा फैन मोमेंट भी सारी पूरा मिलन लग रही थाने कठे भी जा रहे हो लोग पहचान रहे या कौन पहचान रहे बिल्कुल पहचान रहे मतलब मैं सोची थी कि जयपुर में तो लोग कौन पहचानी पर मैंने जयपुर में भी बहुत लोग मिल गए दीदी आप वही हो ना रील्स बनाते हो अच्छा लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बट कोटपुतली नीमका थाना और शाहपुरा साइड भयंकर क्रेज है मैं सच में मैं जाऊँ ना मन फील हो जाए मैं सेलिब्रिटी जाऊँ और लोग प्यार करी ना मतलब बहुत अच्छा लगा जाए कि ये मोमेंट के लिए तो जी रही थी मैं फाइनली वो मिल गोवन तो मतलब बहुत खुशी हो जाए। तो यू थे बिना सांस लिया बिना कंटिन्यू एक मिनट तक बोलता रहो भाई थारा तो मन नहीं अलग है कि शरीर का पुर्जा सारा ठीक ही मतलब बोलना पड़े क्योंकि लोग अनवाई चीज पसंद आ रही है बहुत ज्यादा बोल रहे फिर लड़ाई करती रह जाए पहले लिखू चू कंटेंट लिखू चू फिर थोड़ा एक दो बार रिहर्सल भी करू चू फिर बाद में बोले जाओ मतलब दो तीन टेक लेना पड़ी। तो भाई प्रिया पूरी एक्टिंग के ऊपर आ गई है और थोड़ा सा वीडियो बना के दिखाओगी और फोन कहे को ना इतनी देर से अरे तू बढ़ रहे हो क्या मुझे मतलब तन फोन कौन दिख रहे तुम इतनी देर से फोन कर रही तने दिमाग खराब कर रहा को अच्छा रिश्तों को कि भाई को ठीक चल बढ़िया बात है पर मेरी बात सुन ले कान खोल रहे तने एक बात कह दी तू ये तीन चार चीज़ें याद रख लिए तू एक तो भाई की साड़े में से कोई सी भी अगर तेरे कन ऐड होगी इंस्टा पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चाहे सो तू फोन पे भी अगर मैसेज कर दियो ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगो। अरे मैंने सब बेरो चाहे मेरी भी हम आपके हैं कौन देखेड़ी चाहे ठीक चल दीदी तेरा देवर दीवाना वाला पर नाचबा की जरूरत कौन है अभी के साथ और वे जो रिबन कटाई में छा ना बड़े पैसा दी ची छोरी लड़ाई करी ची बड़े ज्यादा हीरो बनवा की जरूरत कुन छा तन ठीक छा ना फालतू के मायने ओवर एक्टिंग करे इतने देंगे उतने नहीं देंगे तेरा चाहे सो तेरो भाई जना पूरी जायदाद लुटा दे तू बड़े किमी नहीं बोलगो हाँ और विदाई के मायने वे फण क्या पाएंगी तो प्यार से देखवा की जरूरत कौन है मन सब बेरो जब बड़े ही नैन मटक्का हुआ करी ची याद रख लिया मेरी बात आने नहीं तेरो छा ना जीबो आराम कर दूंगी मैं फोन कट यार मैंने एग्जैक्टली याद कुंचो के बोलना चाहे जो एक वीडियो रक्षाबंधन पर थारो काफी वायरल हुई हो कि भाई ले पकड़ तेरी राखी और दे मेरा 10 रुपया बा हकीकत में थारे साथ में बितेड़ी है बचपन में मेरा भाई यह चीज करेड़ो है मेरे बड़ो साथ है छोटो है छोटो है मेरा भाई मेरे साथ अच्छा, 2 साल छोटा है वो करो जो एक बार चीज तो मैं वही चीज बना के डाल तो वो कैसी थे करियो वो थोड़ा सा एक बार कर दो मान भाई वालों तो वो वीडियो है छोकी मतलब भाई आओ चे राखी लेके कि या तेरी राखी ले और 10 रुपया तब मतलब गुस्सा हूँ जो कि साला चिंदी आदमी दीदी यार कुनो पारे मेरे से।
साला चिंदे आदमी थप्पड़ मार के कि तने शर्म को नहीं, तू पापा का देड़ा 10 रुपया भी मेरे का नोटा ले लियो और राखी ले आके दे दी था। दूसरा का भाई मतलब खुद की बाणा ने कैडबरी चॉकलेट ला लिया दी छी, कपड़ा ला लिया दी छी, पसंद की ड्रेस ला लिया के दी छी और 2000 का नोट धरी छी और तू 10 रुपया ओटा मांग लियो वो भी पापा का देड़ा। फिर भी बाद में कि अब आए तू मेरे कन तन मैगी खुआऊंगी मैं, तू आए अब मेरे कन तेरे भाईला की भाईला से मिल बजाओगे ना, तेने पापा कन छुपाऊंगी, तेरा कांड ही छुपाऊंगी मैं, अब आए तो तन बचाऊंगी मैं हर चीज से, ये टाइप से छो मैं बोल और जो मतलब मैं थोड़ा सा ये शर्मा रही। तो आगे को के प्लान है भाई? चलो थे अभी तो स्टार्टिंग कर ली, तारा यूट्यूब पर कितना सब्सक्राइबिंग? 28,000 ही। तो यूट्यूब पर इंस्टा पे क्यों बाजा? मेरा कोडिंग मतलब इंस्टा पे ज्यादा रीच मिला है तो मैं इंस्टा पे अकाउंट बनाई कि थोड़ी जान जाए, लोग फेम मिल जाओ इस वजह से। बाकी देखो मेरा जो पहली चीज है वह जॉब भी है, मतलब मेरा घर खाने भी जॉब चाहे और बनने ही नहीं मन भी चाहे। तो क्या की तैयारी कर रहे हो? SSC CGL की। तो तैयारी क्या की चल रही है सारी? तैयारी अच्छी चल रही है, कोचिंग चल रही है मेरी, अभी 2 महीना हुए हैं तो मैं क्लास भी जाऊं, लाइब्रेरी भी जाऊं, पढ़ाई भी करूं अच्छी खासी, तो साथ साथ मैं करवा की कोशिश कर रही हूं। तो मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब भी है पहले, बट ये चीज में भी मैं आगे बढ़बो चाहूं छु। नहीं और टैलेंट है तो वो भी थे निखार रहे हो, तो ये चीज में भी मैं बढ़ूं, ये चीज में भी छोड़ू तो कोने में बिल्कुल भी, तो मैं कोशिश कर रही हूं दोनों चीजें ने साथ लेके चालू। तो दिन में कितना वीडियो बनाओ? आजकल तो बना भी कुनो पा रही हूँ, बीच में क्या हुआ कि बंद ही कर दी, 4-5 दिन में एक वीडियो डाल रही हूँ, ये वालो सीन हो क्योंकि टाइम ही कुन मिल रहा, कोचिंग जाओ फिर थोड़ो घर रूम पे भी खानो वानो को सिस्टम, टाइम ही कुन मिला है। तो अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली को एक वीडियो डाल दू, बट फिर भी कुन डाल पाओ, फिर भी इन लाइन में आगे क्या करना चाहूंगा, मतलब जॉब है तो चलो करनी ही करनी, इन लाइन में आगे मैंने आगे ही जाना है, मतलब कॉमेडी करनी है। और खैर बहुत बड़ी बात होगी मैं बोलवा तो फिर भी चाह रहे छू कि एक दो अच्छा अच्छा सॉन्ग निकाल दूं, कोशिश करूंगी अभी तो कुनो पारी कि बड़ा वीडियो भी निकालूं खुद का दम पे, आगे मैं बढ़वो चाहूंगी। अभी फिलहाल थारू काम किया को चला है, प्रिया 2 रुपया कमावा लागी या कौन लागी? बिल्कुल कमावा लागी, अपनी कमाईयों के लेके आई दीदी मेरी कमाई से बहुत कुछ आगो खैर, अभी मतलब इतनो कमावा लागी कि मैं बहुत अच्छी तरीका से मैं खुद की लाइफस्टाइल चला पा रही हूं, खुद को काम चला सको बहुत अच्छी तरीका से, इतो तो आबा लागो। और तो भाई ये खुद को काम जद टाबर खुद को काम चलाओ लाग जाए, घर का कोई रुपया नहीं ले तो घर खान सपोर्ट करना चाहिए के बेरो साल 2 साल में थाने ही देवा लाग जाएगी ठीक ही के साथ में काम करना पसंद करोगा आगे चल के? कि भाई मेरो सपनो है कि मैं भी आदमी के साथ में काम करूं। एक यूट्यूबर है इंस्टाग्राम पे भी, तिजारा वाइंस अगर थे जानता हो तो, बहुत पसंद ही वे, बहुत नीचा से उठेड़ा आदमी थी, यानी जीतू किशन है ना, मतलब इंस्पिरेशन क्यों छी क्योंकि वे भी बहुत नीचा से ऊपर उठेड़ा आदमी, तो अणके साथ काम कर वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थर जाए की लड़की देख रही है बाकी अंदर भी टैलेंट है बंद थे ये बताना चाहूंगा? बिल्कुल, देखो कोई की मत सुनो, लोग है ना फालतू बकवास करेगा, मतलब बनको काम है थे कितनों भी अच्छो कर लियो वे बुराई ढूंढेगा, तो कुछ मत सोचो, जो थाने पसंद है ना भी चीज पे जाओ, बस खुद की जगह सही रहो, गलत मत करो, अगर थाने पता हो ना थे गलत कोने फिर कोई की मत सुनो, बस आगे बढ़ो, इतना ही बोलूंगी। बिल्कुल, तो भाई मैं तो सब एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है, अगर थे प्रिया का वीडियो देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार हमारे यूट्यूब पर ऐप में भी ऐड करें, बस देख लो कि सांस लिया बिना या 1-1.5 मिनट तक कंटिन्यू बोल जाए। राम राम सा, धन्यवाद।